नमस्कार, मैं कुसुम लता। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टीचिंग प्लान एनवायरनमेंट का, जो कि क्लास 3 के लिए बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम लिख लेंगे। क्लास में 3, सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट, टाइम में 40 मिनट। चूँकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए एनवायरनमेंट का टीचिंग प्लान बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये इंग्लिश में बनाया है। तो इसकी पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखा जाएगा चिल्ड्रन आर एबल टू टेल अबाउट देयर फैमिली एंड द नेम्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर एंड एक्सप्रेस देयर रिलेशनशिप विथ दीज मेम्बर्स। सेकेंड हेडिंग रहेगी टॉपिक। टॉपिक में लिखेंगे आवर फैमिली, यानी हमारा परिवार। अब इसकी थर्ड हेडिंग रहेगी रिक्वायर्ड मटेरियल। फैमिली चार्ट, चाक बुक, दीक्षा ऐप, वीडियो, वर्कबुक एट्सेट्रा। इसकी फोर्थ हेडिंग रहेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें 4 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा स्टेप और तीसरा टाइम और फोर्थ असेसमेंट ऑफ मेथड। अब सीरियल नंबर में ए लिखेंगे, स्टेप में लिखेंगे इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के शुरुआत में। टाइम में 5 मिनट और असेसमेंट में लिखेंगे डिस्कशन मेथड। स्टेप में नीचे लिखेंगे द टीचर टॉक्स चिल्ड्रन अबाउट देयर फैमिली इन ए ग्रुप हु आर इन देयर फैमिली एंड व्हाट वर्क दे डू। अब इसके बाद ड्यूरिंग द टीचिंग में लिखेंगे, इसका टाइमिंग रहेगा 25 मिनट और ड्यूरिंग द टीचिंग के नीचे लिखेंगे टीचर रीड्स द पैसेज लाइन बाय लाइन केयरफुली एंड स्टूडेंट लिसन इट। आफ्टर लिसनिंग द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज वन बाय वन। द टीचर राइट द डिफिकल्ट स्टूडेंट राइट डाउन। टीचर एक्सप्लेन द पैसेज इन हिंदी ऑल्सो। टीचर जो है वो लेसन का हिंदी में अर्थ भी बच्चों को बताती है। इन द फैमिली ऑल मेंबर्स हेल्प टू ईच अदर इन ऑल टाइम। हेड ऑफ द फैमिली टेक्स केयर ऑफ नीड्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ देयर मेंबर। जो फैमिली है वो पहला स्कूल है सदस्यों के लिए। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर फैमिली के मेंबर को दिखा रखा है। फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है और इस पिक में ग्रैंडमदर भी हैं। और एक हैप्पी फैमिली की पिक भी दिखा रखी है कि कैसे सब लोग खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। असेसमेंट में लिखेंगे डिस्कशन मेथड और ऑब्जर्वेशन। इधर असेसमेंट जो फोर्थ कॉलम है इसमें लिखेंगे हम डिस्कशन मेथड, क्योंकि मैं लिखी नहीं हूँ, भूल गई हूँ। अब आगे देखते हैं सीरियल नंबर, स्टेप, टाइम और असेसमेंट। अब सीरियल नंबर में सी लिखेंगे, स्टेप्स में आफ्टर टीचिंग, टाइम में 5 मिनट और असेसमेंट में क्वेश्चन आंसर मेथड। स्टेप के नीचे आफ्टर टीचिंग में लिखेंगे आफ्टर टीचिंग द टीचर आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, आपके घर का मुखिया कौन है। हु टीच यू इन योर फैमिली, आपके घर में आपको कौन पढ़ाता है। और विच हाउस होल्ड वर्क डू यू डू टुगेदर, घर के कौन से काम आप लोग साथ में करते हैं। अब इसमें एक्टिविटी देख लीजिए। एक्टिविटी रहेगी टीचर डिवाइड द स्टूडेंट इन 4 ग्रुप एंड आस्क टू प्ले द रोल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। इसमें हम एक गतिविधि करा सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको 4 ग्रुप में बांट दें और उनको माता पिता, दादा दादी, भाई बहन का रोल प्ले करने को कह सकते हैं। इससे जो बच्चे हैं वो थोड़ा और भी फैमिली के
मेंबर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क, इसमें लिखेंगे फैमिली की डेफिनेशन कि फैमिली क्या है। इन फैमिली वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ देयर मेंबर्स। अब इसकी फिफ्थ हेडिंग रहेगी होमवर्क। होमवर्क में लिखेंगे डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एट होम। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक ए फैमिली चार्ट एंड पेस्ट फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्क डन बाय योर फैमिली। अब इसके अंदर जो सिक्स्थ हेडिंग रहेगी फर्दर टीचिंग प्लान, जो कि लास्ट हेडिंग है, इसके अंदर लिखा जाएगा इन द नेक्स्ट टीचिंग प्लान वी शैल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। तो इसी के साथ ये लेसन प्लान, टीचिंग प्लान का दी एंड होता है। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो टीचिंग प्लान पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आसान भी लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आपको और भी टीचिंग प्लान समय समय पे मिलते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।